हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं अपना कंटेंट लेकर आया हूँ वो लेकर हूँ CSLT। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। CSLT क्या होती है? CSLT होती है सेंट्रल स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट, यानी जो स्टाइल आइटम्स को सप्लाई करती है वो CSLT के अंदर होता है। तो दोस्तों, इसका एम क्या है? द एम ऑफ CSLT इज टू सप्लाई स्टाइल इक्विपमेंट लीलन, क्या दोस्तों, लीलन सिरिंज एक्सेट्रा। तो क्या करती है, इसका जो एम है वो एम ये है कि स्टाइल इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट होते हैं यानी कि इंस्ट्रूमेंट होते हैं, औजार होते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं उनको स्टाइल करके सप्लाई करती है। उसमें क्या क्या आता है, जैसे होता है लीलन आती है आपकी, लीलन मतलब जो सर्जरी में गाउन्स वगैरह यूज होती है या शीट्स वगैरह होती है, वो लीलन आ गई, सिरिंजेस आ गई, या फिर इंस्ट्रूमेंट आ गए, जो ऑपरेशन में इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल में आते हैं वो इंस्ट्रूमेंट आ गए। तो उन सबको क्या है, स्टाइल किया जाता है। वो कहाँ पे होते हैं, CSLT में होते हैं। और टू ऑल डिपार्टमेंट एंड यूनिट ऑफ हॉस्पिटल, ये जब स्टाइल हो जाते हैं, इसके एम जो है इसका स्टाइल कर देती है, तो ये हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट में भेजते हैं, सेंड करते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट, जैसे OT हो गई, ICU हो गई, या जनरल वार्ड्स हो गए, या और भी कोई अदर डिपार्टमेंट है जहाँ पे CSLT के सामान की ज़रूरतें पड़ती है, यानी कि कुछ वहाँ पे सर्जिकल होता है या क्लिनिकली कुछ भी काम होता है, वहाँ पर उन सबको सप्लाई किया जाता है CSLT के थ्रू, CSLT के लोगों के द्वारा। दोस्तों, फिर इसका एडवांटेज क्या है CSLT का? देखो, ये CSLT का एम हो गया है कि वो स्टाइल करके सप्लाई कर देती है डिपार्टमेंटों में, लेकिन इसका एडवांटेज भी तो पता होना चाहिए हमें। इसका एडवांटेज है क्या? तो इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है द यूज ऑफ डर्टी थिंग्स कैन बी स्टाइल एंड यूज अगेन। समझे दोस्तों, क्या है यूज ऑफ डर्टी थिंग्स? डर्टी थिंग्स से क्या मतलब है? डर्टी थिंग्स क्या है? डर्टी थिंग्स वो होता है कि जैसे कि ऑपरेशन में कोई इंस्ट्रूमेंट है, यूज हो गए, इस्तेमाल में आ गए, अब उनको दूसरे पेशेंट पर तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, इन्फेक्शन फैल सकता है, तो इसकी क्या करेंगे, उसके लिए स्टाइल करवाया जाएगा वो सामान, इंस्ट्रूमेंट है, सिरिंजेस है, या और भी कोई चीज़ें जो काफ़ी कॉस्टली हैं सारी चीज़ें, तो उनको स्टाइल करेंगे। स्टाइल कहाँ पर होगा, CSLT में। ये इसका CSLT का एडवांटेज है। स्टाइल होने के बाद क्या होगा, उसको हम यूज अगेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूज अगेन। फ़ायदा क्या हुआ यूज अगेन करने से, इकोनॉमिकल। अगर मरीज को जो इंस्ट्रूमेंट है, जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर वो एक बार यूज करने के बाद डिस्कार्ड कर दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो बहुत अगला पेशेंट आएगा उससे दोबारा से खरीद के करे जाए तो बहुत कॉस्टली होगी। तो मशीन होती है उसको लगाने के बाद, स्टाइल होने के बाद आइटम्स को दोबारा रीयूज कर सकते हैं हम। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन फ्री हो जाते हैं, स्पोर्स खत्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। इट प्रिवेंट स्प्रेड, जैसे इसमें लिखा भी है, इट प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकता है, क्रॉस इन्फेक्शन को भी रोकता है, यानी कि अगर स्टाइल हो गए इंस्ट्रूमेंट तो जहाँ दूसरे जब दोबारा रीयूज किए जाएंगे, दूसरे पेशेंट पे इस्तेमाल किए जाएंगे, तो इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो आइटम स्टाइल कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसकी कुछ लेआउट भी होती है, CSLT की लेआउट भी होती है। लेआउट ऑफ CSLT मतलब ये फॉलोइंग कुछ पार्ट्स में बटी होती है, कुछ एरियाज में बटी होती है CSLT, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें CSLT की लेआउट है, यानी कि जो बटी हुई है। जैसे पहला आता है आपका स्टोर। स्टोर क्या है, स्टोर के अंदर रखते हैं फॉर कीपिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंटों को संभाल कर रखा जाता है स्टोर के अंदर, ये पहला एरिया होता है स्टोर का। दूसरा क्या है, रिसीविंग काउंटर, रिसीविंग काउंटर। अब रिसीविंग काउंटर क्या है, रिसीविंग काउंटर है जो चीज़ें इस्तेमाल हो गई हैं, या डिपार्टमेंट कोई भी हो, या ICU है, या OT है, या जनरल वार्ड्स है, जहाँ पर ड्रेसिंग वगैरह होती है, ड्रेसिंग फॉर दैट एग्जाम्पल ड्रेसिंग सेट है, इस्तेमाल हो गया, उसके बाद उसको दोबारा तो पेशेंट पर इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, उसको स्टाइल करवाया जाएगा CSLT में, सेंड करके भेज के। तो वहाँ पे एक रिसीविंग काउंटर होता है CSLT के अंदर, जो सिर्फ रिसीव करता है आइटम्स को, जो आ रही हैं उन आइटम्स को रिसीव करता है, तो रिसीविंग काउंटर होता है। अब जो एक इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जो आइटम चाहे CSLT डिपार्टमेंट कोई भी हो, या OT से आ रही हो, या ICU से आ रही हो, जो डर्टी थिंग्स है, जो यूज हो गए इंस्ट्रूमेंट है, उनको कवर करके लाया जाता है। ऐसा नहीं कि वो यूज हो गए तो खुले करके ऐसे ट्रे में रख के लेके आ गए, नहीं, उनको एक ट्रॉली के अंदर रखा जाता है जो कि कवर्ड होती है, तब वो CSLT डिपार्टमेंट में लाए जाते हैं, और उनको जब लाने के बाद उनको एक रिसीविंग काउंटर होता है वहाँ पे बना हुआ, वहाँ पे जाकर रिसीव कराया जाता है, उनकी एंट्री होती है पहला। दूसरा ये होगा। तीसरा था पैकिंग एरिया। पैकिंग एरिया मतलब उनको जो आइटम्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, उनको पैक करके दोबारा से एरिया को पैकिंग एरिया का नाम दिया गया है, कि वहाँ पे आप ये सारी चीज़ों का काम कर सकते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनको वॉश क्लीनिंग करके साफ करके उनको पैक करें दोबारा, ताकि ऑटोक्लेव वो हो जाए, तो वो हो गया पैकिंग एरिया। चौथा आता है आपका स्टेलाइजर रूम।
चौथा क्या, स्टरलाइजर। स्टरलाइजर क्या है, स्टरलाइजर मीन्स जो मशीन है यानी कि ऑटोक्लेविंग मशीन है जिनमें चीज़ों को स्टरलाइज किया जाता है, तो वहाँ पर जो रूम है उसमें स्टरलाइजर रूम होगा, उसका नाम है स्टरलाइजर रूम, जहाँ पर मशीनें होती है, ऑटोक्लेविंग मशीन होती है, ETO मशीन होती है, LTSF मशीनें होती है। ठीक है दोस्तों, पाँचवा आता है आपका इसमें इशू काउंटर। इशू काउंटर, इशू काउंटर क्या है, देखो आप दोनों में डिफरेंस देखो, एक है रिसीविंग काउंटर, एक है इशूइंग काउंटर। इशू काउंटर क्या है और रिसीविंग काउंटर क्या है, रिसीविंग काउंटर का मैंने बता दिया आपको पहले कि वहाँ पे आइटम को रिसीव किया जाता है। अब इशू काउंटर क्यों भाई, जिससे आइटम को रिसीव करे उससे दे भी तो सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है ना, डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इशूइंग काउंटर, इशूइंग काउंटर क्या है, इसमें चीज़ें जब स्टाइल हो गई तो उस डर्टी एरिया पे, जो कि ये रिसीविंग काउंटर यहाँ पे डर्टी आइटम्स आते हैं, उस एरिया से नहीं जाया जाएगा, एक दूसरा एरिया होगा जिससे इशू किया जाएगा सामान, यानी डर्टी वाला इधर से आया, स्टाइल वाला इधर से गया, समझे आप दोस्तों। यानी कि एक काउंटर ये है, यहाँ पे आपकी डर्टी थिंग्स आ गई जो कि आपस में क्रॉस मैच नहीं हुई, वो उधर से आई, और जब स्टाइल के प्रोटोकॉल के थ्रू ऐसे स्टाइल हुई चीजें मशीन के द्वारा होती, तो एक इधर काउंटर होगा जिससे इशू किया जाएगा, तो वो हो गया इशू काउंटर। अब छठा आता है आपका स्टाफ रूम। स्टाफ रूम में स्टोर है जिसमें चीजों को मेंटेन किया जाएगा, इन्वेंट्री रखी जाएगी, मेंटेन किया जाएगा सारी चीजों को, जो भी स्टाफ रूम के अंदर, एक स्टाफ रूम होगा उसमें स्टोर और रूम्स और भी होंगे जिसमें काफी रजिस्टर होंगे, सारी चीजें होंगी, तो स्टाफ रूम होगा। अब ये तो हो गए लेआउट, CSLD की लेआउट होगी। अब रिकॉर्ड कीपिंग इन CSLD, भैया रिकॉर्ड भी तो रखना है CSLD के अंदर, CSLD के अंदर रिकॉर्ड भी तो रखना है, ऐसा थोड़ा ना कि चीजें आई और वो जैसे आई है वैसे हमने दे दी, नहीं ऐसा नहीं होता है। जो प्रोटोकॉल होते हैं CSLD के अंदर वो सारे फॉलो किए जाते हैं, और उनमें कुछ रजिस्टर्स बनाए जाते हैं जिनसे उनको मेंटेन कर सके, उनका लिख सके कि कहाँ पर कब क्या चीज़ हुई थी, कौन सा सेट आया था, कहाँ से आया था, कौन से इंस्ट्रूमेंट आए थे, उन सब के बारे में रिकॉर्ड भी रखना होता है। तो पहला रिकॉर्ड किस चीज़ का होता है, डिस्पैच रिकॉर्ड। जो हमने बात की ना इशू काउंटर जो होता है, वहाँ पे एक डिस्पैच रजिस्टर भी बना होता है, जो आइटम हम दे रहे हैं उसकी एंट्री भी तो करेंगे अपने रजिस्टर के अंदर, तो वो हो गया डिस्पैच रिकॉर्ड रजिस्टर। यहाँ पर डिस्पैच रिकॉर्ड रजिस्टर होगा। अब आता है दूसरा, किस चीज़ का रिकॉर्ड रखेंगे, दूसरा रखेंगे रिसीविंग आइटम्स का, जो आइटम्स आई हैं OT से आई है, ICU से, वार्ड से, तो उनका भी एक रिकॉर्ड मेंटेन रखेंगे, तो उसके लिए भी एक रजिस्टर होता है। पहला होगा डिस्पैच रजिस्टर, दूसरा होगा रिसीविंग रजिस्टर। अब आता है तीसरा, आता है इसमें रिकॉर्ड फॉर स्टोर आइटम्स। रिकॉर्ड फॉर स्टोर आइटम के लिए भी एक रजिस्टर बना होता है, जैसे कि स्टोर में काफ़ी चीज़ें आती हैं तो वो सामान जो रखा होगा उनकी एंट्री करने का भी एक रजिस्टर होगा, जिसमें एंट्री की जाएंगी, चीज़ें मेंटेन की जाएंगी, स्टॉक रजिस्टर टाइप से मेंटेन होगा, जो जो आपके पास आ रहा है उन सबका रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके लिए भी एक रजिस्टर बना होता है। अब चौथा क्या है, देखो चौथा है सर्विसिंग रिकॉर्ड फॉर मशीन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है सर्विसिंग रिकॉर्ड को रखना, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब रजिस्टर है, मशीन कोई ख़राब होगी भाई, मशीन है, टेक्निकल प्रॉब्लम कभी भी कहीं भी आ सकती, मशीनें ख़राब होगी, इंजीनियर आया सर्विस करके चला गया, आपने कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा, फिर से खराब होगी तो क्या जवाब दोगे, तो उन सब की सर्विस रिपोर्ट लगाना और उन सबको मेंटेन करना, उसके लिए भी एक रजिस्टर बनाया जाता है, तो उसका नाम है सर्विसिंग रिकॉर्ड रजिस्टर भी बोल सकते हैं। अब आता है पांचवा, रिकॉर्ड फॉर स्टरलाइजेशन। अब रिकॉर्ड फॉर स्टरलाइजेशन, देखो जब मशीन में चीज़ें को स्टरलाइज किया गया तो उनका रिकॉर्ड भी तो रखेंगे, घंटे के बाद यानी 3 दिन के बाद चीज़ों को दोबारा रिकॉल किया जाता है। अगर एक बार स्टरलाइज करके चीज़ें इंस्ट्रूमेंट है अगर वो दे दिए किसी बोर्ड या ICU या OT के अंदर, तो अगर वो यूज नहीं हुए 3 दिन के बाद, यानी 72 आवर्स में यूज नहीं हुए, तो उनको वापस रिकॉल करके बुलाया जाता है, उनको दोबारा स्टरलाइज करके दिया जाता है, तो उसका भी एक रजिस्टर बनाया जाता है रिकॉर्ड रखने के लिए। हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं बताने जाऊंगा आपको कि स्टरलाइजेशन, अभी तो मैंने सिर्फ इसकी लेआउट और डिवाइड कहाँ कहाँ क्या क्या रिकॉर्ड रखते हैं सिर्फ CSLD के बारे में बताया, इसमें होता क्या क्या है, स्टरलाइजेशन क्या है, इन सब के बारे में अगली वीडियो में बताऊँगा आपको। थैंक यू दोस्तों।